कर्नाटका के सब लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने इस यात्रा का पूरा पूरा का पूरा समर्थन किया। आपने अपनी पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली और यात्रा को आपने सफल बनाया। मैं दिल से आप सबका इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। यात्रा ने पूरे देश में एक मैसेज दिया कि ये देश सबका है, दो तीन चुने हुए लोगों का नहीं है, अदानी जी का नहीं है, ये देश किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, युवाओं का देश है। और आपने देखा होगा कि यात्रा में कोई बड़ा सा रथ नहीं था, सब लोग एक साथ चले, नफरत नहीं थी, हिंसा नहीं थी, भाईचारा था, एक दूसरे की इज्जत थी। तो ये यात्रा ने देश को भाईचारे का मैसेज दिया और हर प्रदेश में जो रिस्पांस हमें कर्नाटक में मिला वैसा ही रिस्पांस हर प्रदेश में मिला। कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हर प्रदेश की जनता ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ मिलना चाहते हैं, हम एक साथ मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम नफरत नहीं चाहते। लाखों लोगों ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोली और यही हमारा हिंदुस्तान है। यात्रा में बहुत लोगों से बात हुई। कर्नाटक में युवाओं ने हमें दो तीन मैसेज दिए और मैं आज स्टेज से वो मैसेज दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले युवाओं ने कहा कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी डिग्री ले लो, किसी भी कॉलेज में पढ़ के निकल लो, कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। ये पहला मैसेज था और ये सिर्फ एक युवा ने नहीं कहा, ये कर्नाटक के लाखों युवाओं ने हर रोज मैसेज दिया। दूसरा मैसेज सिर्फ युवाओं ने नहीं, सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक
रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब, रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों युवाओं ने कर्नाटक की सड़कों पे भारत छोड़ो के समय, भारत छोड़ो यात्रा के समय मुझे बताया भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, दो तीन लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लर हाउस में मैंने अडानी जी के बारे में भाषण दिया, उनको दी जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही है। और यही हाल हो रहा है, चुने हुए लोगों को जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैंने कहा कि युवाओं ने मैसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता, तो आज कांग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है। जवाब क्या दिया कि 3,000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी देगी, 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल के लिए देंगे। क्योंकि हम आपकी कठिनाई समझते हैं, आपकी मुश्किल समझते हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको मुश्किल हो रही है, इसलिए हमने ये आपके लिए कदम उठाया है। 3,000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स के लिए, 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के लिए, और हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर इस स्टेट में रोजगार के बारे में जिताने देगी, और 2.5 लाख जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के कर्नाटक के युवाओं को दिलवाएंगे। यात्रा में महिलाओं ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बोला, हमने पहले अनाउंस किया है कि 2,000 रुपए हर महीने हम महिलाओं की, कर्नाटक की महिलाओं को गृहलक्ष्मी स्कीम में दिलवाएंगे, और अन्नभाग्य स्कीम में 10 केजी चावल हर बीपीएल परिवार को कांग्रेस पार्टी दिलवाएंगे, और ग्रह ज्योति स्कीम 2,000 यूनिट मुफ्त में बिजली कांग्रेस पार्टी देने वाली है। तो ये हमारे वायदे हैं। एक और बात उठी थी यात्रा में, उठी थी जो वायदा सरकार ने किया है एससी रिजर्वेशन को 15% से 17%, एससी
परसेंट वाली सरकार है, कमीशन की सरकार है और कर्नाटक की जनता इस सरकार को हटाना चाहती है, परे करना चाहती है और गरीबों की, कमजोरों की, आम आदमी, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाना चाहती है। मैंने कहा है कर्नाटक के नेताओं से, कहा है कर्नाटक के चुनाव में जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो मैं जाने को तैयार हूं। बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी में यहां चुनाव जिताएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कांग्रेस अध्यक्ष।